तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स स्पाई यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरव। और दोस्तों आज हम जो मैच कवर करने वाले चैनल में वो रहेगा आईएसएल का मैच एफसी गोवा वर्सेस चेन्नईयन एफसी के बीच। इस मुकाबले का करते हैं इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस। और दोस्तों ये जो सभी मुकाबले हैं प्रीमियर लीग के, ये मुकाबले भी हमारा वीडियो तो नहीं आएगा लेकिन ये सभी मुकाबले हमारे टेलीग्राम चैनल में कवर होंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसमें लगभग मोस्टली मुकाबलों की 5 से 6 ग्रैंड लीग की टीम और फाइनल स्मॉल लीग की टीम आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगी। और ये मुकाबला दोस्तों जिसका वीडियो आ रहा है इसकी भी फाइनल एसएल और जीएल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए क्योंकि हर मैच का वीडियो नहीं आता लेकिन सारे मैच टेलीग्राम में कवर होते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इस मुकाबले का करते हैं एनालिसिस। तो दोस्तों बात करें एफसी गोवा की, ये जो आईएसएल है उसकी टॉप की टीम्स में आती है और चेन्नईयन एफसी भी दोस्तों अच्छी टीम है लेकिन इस सीजन उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट्स टेबल देखते हैं तो आप एफसी गोवा सेकंड पोजीशन में 18 पॉइंट के साथ, चेन्नईयन एफसी आप देखिए 8th पोजीशन में और 9 पॉइंट्स है, यानी कि एफसी गोवा से आधे पॉइंट है। लेकिन दोस्तों चेन्नईयन एफसी का मैनेजर जो है वो बदल चुके हैं और उनके नए मैनेजर के आने से रिजल्ट भी उनका बदला है और काफ़ी अच्छा पिछले 2 मैच रहे उनके। अब ये जो चेन्नई के मैच है, होम मैच है, आज रात 7:30 PM पे स्टार्ट होगा। अब लास्ट 3 रिजल्ट देखते हैं चेन्नईयन एफसी के। 2-2 ड्रॉ इन्होंने उड़ीसा से खेला था, उसके बाद इनके नए मैनेजर आए थे जहाँ से इनका फॉर्च्यून बदले, 1-1 ड्रॉ जमशेदपुर से खेला, बड़ी टीम है जमशेदपुर, उसके बाद पिछले मैच में बहुत बढ़िया जीत दर्ज करी 3-1 की केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे एफसी गोवा का देखिए पिछले 3 मैचेस में तीनों जीते हैं, 1-0 से हैदराबाद को हराया, 2-1 से एटीके को हराया और पिछला मैच 3-0 से उड़ीसा को हराया। तो पिछले तीनों मैचेस जीत के आ रहे हैं और बहुत इनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। अब इन दोनों टीमों के बीच अभी तक आईएसएल के इतिहास में पिछले 4 मुकाबले जो हुए हैं वो 3 एफसी गोवा ने जीते और 1 चेन्नई ने जीता है। अब प्रोबेबल लाइनअप में नजर डालते हैं, पहले एफसी गोवा की देखते हैं। मोहम्मद नवाज इनके गोलकीपर हैं। अब इनके जो 4 डिफेंडर्स खेलते हैं, कार्लोस पेनिया, सेरेटन फर्नांडिस, मुर्तादा फॉल और मंदार राव देसाई। अब दोस्तों जो पेनिया और फॉल है ये इनके गोल स्कोरिंग सेंटर बैक्स हैं, ये दोनों हेडर्स में बहुत ज़्यादा गोल स्कोर करते हैं इस सीजन, 2-2 गोल्स दोनों के, साथ ही ये पासिस भी बनेंगे तो ये दोनों मस्ट पिक रहने वाले हैं। अब यहाँ लेनी रेड्रिगस और अहमद जहू खेलते हैं इनके सेंट्रल मिडफील्ड में और ये दोनों भी पासिस बनेंगे और लेनी रेड्रिगस गोल असिस्ट भी कर सकते हैं, अहमद जहू भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं। अब इनके जो 4 मेन अटैकर्स खेलते हैं उसमें ब्रेंडन फर्नांडिस नंबर 10 पोजीशन में खेलते हैं जो कि अटैकिंग मिडफील्ड होते हैं, बहुत क्रिएटिव प्लेयर और इस सीजन सबसे ज्यादा असिस्ट इन्हीं के हैं, 5 असिस्ट, पिछले मैच में एक गोल भी मारा था इन्होंने। जैकी चन सिंह और ह्यूगो ब्यूमो इनके खेलेंगे दोस्तों यहाँ पे विंग बैक पोजीशन में, विंग पोजीशन में खेलते हैं और दोस्तों इन दोनों की बात करें तो ये दोनों भी बहुत अटैकिंग प्लेयर हैं। अब फेरन कोरोमिनास का नाम आप सभी जानते होंगे अगर आईएसएल देख रहे हो तो, स्टार प्लेयर है, सबसे बड़े प्लेयर है आईएसएल के, कोरो को स्कोरो बोलते हैं दोस्तों, अब इनका नाम स्कोरो पड़ चुका है यहाँ पे, इतने गोल से स्कोर करते हैं और इनके बेस्ट प्लेयर है तो ये 100% आपकी टीम में होने चाहिए। चेन्नईयन एफसी की देखते हैं, विशाल कैत इनके गोलकीपर हैं। अब इनके एक जो डिफेंडर है एली साबिया दोस्तों वो इस मैच में सस्पेंडेड है तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा, पिछले मैच में रेड कार्ड खाया था उन्होंने, उनके बावजूद अब देखते हैं डिफेंस कैसे यहाँ पे करता है आज के मैच में परफॉर्मेंस। टोंडोम्बा सिंह, लुसियान गोयन, संघानी और जर्मन प्रीत सिंह, ये 4 इनके डिफेंडर्स हैं, इनमें जो सबसे बेस्ट प्लेयर है वो है लुसियाना गोयन। अब दोस्तों अनिरुद्ध थापा और वंस पॉल इनके सेंट्रल मिडफील्ड में खेलते हैं, दोनों पासेस बनाएंगे। राफेल क्लिवरालो, लालचंद सांगटे, ये दोनों अटैकिंग प्लेयर है और दोस्तों ये दोनों का ही पिछले मैच में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, खासतौर पे सांगटे का एक बहुत बढ़िया इन्होंने गोल मारा था मुझे याद है और इसके साथ ही एक बहुत बढ़िया असिस्ट भी किया था, हालांकि वो बार से डिफ्लेक्ट हुआ था इसलिए असिस्ट में इनका नाम नहीं लिखा गया लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा था और क्रिवलेरो का भी बहुत बढ़िया असिस्ट था। अब इनके जो 2 स्टार स्ट्राइकर है उसमें सबसे बड़ा प्लेयर इनका है निकोलस लास्केस, पिछले 4-5 मैचों से धमाकेदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रेड हॉट फॉर्म में, सबसे ज़्यादा गोल इन्हीं के इस सीजन। और उनके जो सेकेंड स्ट्राइकर है शिनेम्बरी, पिछले मैच में भी इन्होंने गोल मारा था और इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों ये उनके कुछ मेन प्लेयर्स हैं। अब यहाँ टॉप गोल स्कोरर दिस सीजन देखिए दोनों टीम्स के स्टैट्स, गोवा से देखिए अकेले फेरन कोरोमिनास के 6 गोल है, हालांकि पिछले बीच में कुछ 3-4 मैचेस मिस किए थे उसके बावजूद 6 गोल इनके, पेनाल्टी टेकर भी यही है। ह्यूगो ब्यूमो, कार्लोस पेनिया, मुर्तादा फॉल, लेनी रेड्रिगस, मनवीर के 2-2 हैं, ब्रेंडन और डोंगल का 1-1 गोल है। असिस्ट में जैसे मैं करता सबसे ज्यादा असिस्ट ब्रेंडन के 5, बूमो, जैकी चंद, फॉल के 2-2 हैं, बेडिया, कोरो और यहाँ पे सेरिटन फर्नांडिस का 1-1 असिस्ट है। तो यहाँ पे देखिए व्लास्कस के चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा 5 गोल है, स्रेमरी 2 और चांगटे 1, क्रिवलेरो फ्रिटुलेस्कू के 2-2 असिस्ट है, व्लास्कस और थोइसिंग का 1-1 असिस्ट है। अब दोस्तों यह है दोनों टीम्स के स्टैट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर पहले यहाँ एफसी गोवा से देखते हैं, कोरोमिनास और ब्रेंडन, ये दोनों प्लेयर आपको 100% लेने हैं, साथ में ह्यूगो बूमो, इसके अलावा जैकी जन सिंह, मुर्तादा पॉल और एक और नाम मैं लिखना भूल गया वो है कार्लोस पेनिया, ये कुछ मेन प्लेयर्स हैं यहाँ पे एफसी गोवा से। चेन्नईयन एफसी से व्लास्केस, शेमरी 100% आपको लेने हैं, शांगटे, क्रिवलेरो और थापा, ये कुछ मेन प्लेयर्स हैं।
अब दोस्तों प्रिडिक्शन, यहाँ पे चेन्नई का होम मैच है, इसके बावजूद गोवा बहुत स्ट्रांग है, तो मेरी प्रिडिक्शन 2-1 रहने वाली है, जहाँ पे एक गोल चेन्नई मारेगी, लेकिन गोवा 2-1 या 3-1 से जीत सकती है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। अब दोस्तों आपको ग्रैंड लीग में 0-0 ड्रॉ, यहाँ पे 2-0 चेन्नई, ऐसे करके अलग अलग फॉर्मेशन वाली टीम बनानी है। अगर आपको ग्रैंड लीग की 5-6 टीम्स चाहिए इस मैच की, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें इस मैच की एक फाइनल स्मॉल लीग टीम और 5-6 जीएल टीम्स आपको मिलेगी, और लगभग हर मैच की ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम टेलीग्राम में मिलती है, तो जरूर जुड़ जाइए। तो दोस्तों आप चलते हैं, देखते हैं इस मैच का डिटेल, जो अभी मैंने डेमो टीम बनाई है वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यह है डेमो टीम, ये मेरी प्रिडिक्शन 2-1 गोवा या 3-1 गोवा के फेवर में है, जिसमें गोवा के 7 प्लेयर्स हैं और चेन्नईन के 4 प्लेयर्स हैं, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये टीम। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये इनके 3 डिफेंडर्स ले रखे हैं, ये एफसी गोवा के कार्लोस पेनिया है, मुर्तादा फॉल है और सेरिटन फर्नांडिस, और एक चेन्नईन का गोलकीपर है विशाल कैद। अब यहाँ मैंने गोवा के 4 अटैकर्स में फेरन को रोमनास लिए, 100% आपको लेने, बूमो ब्रेंडन लिए और लेनी रेड्रिगस लिए। अब दोस्तों जैकी जन सिंह के लिए मेरे पास क्रेडिट मेंटेन नहीं होते, इसलिए उनको नहीं ले पाया। चेन्नईन के 2 मेन स्ट्राइकर शैम्बरी और ब्लास्कस दोनों ले लिया और चांगटे लिया, और यहाँ चेन्नईन के क्रिवलेरो भी मैं नहीं ले पाया क्रेडिट प्रॉब्लम के चक्कर में, इसलिए 2 बड़े प्लेयर जो ड्रॉप है वो है जैकी जन सिंह और क्रिवलेरो। अब मैं एक बार आपको इसमें कुछ चेंजेस बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ गोलकीपर मैंने विशाल कैद लिया, मुझे लग रहा है चेन्नई गोवा बहुत अटैक करेगी तो ये सेव्स कर सकते हैं। बाकी मुर्तादा पॉल कार्लोस मैंने 100% आपको लेना, और सेरिटन भी मैंने ले लिया जो गोवा के यहाँ पे थर्ड वो है डिफेंडर। अब यहाँ पे आपको चेन्नई की तरफ से कोई डिफेंडर लेना तो आप एली साबिया ले सकते हैं, सॉरी दोस्तों गोयन ले सकते हैं, क्योंकि ये साबिया आज के मैच में वो है रेड कार्ड खाए हुआ है, इन्हें सस्पेंड। अब दोस्तों डिफेंडिंग सेक्शन में देखिए, ह्यूगो ब्यूमो मैंने लिए, बहुत बड़ा नाम है गोवा की तरफ से, इनके थर्ड सेकंड बेस्ट प्लेयर मैं कहूँगा, ह्यूगो ब्यूमो कोरो ब्रेंडन के बाद बेस्ट प्लेयर है। इसके अलावा यहाँ पे शांगटे रेनी रेड्रिगस और ब्रेंडन फर्नांडिस मैंने ले लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्रिवलेरो मेरे 9.5 क्रेडिट के हैं, चेन्नईन के बहुत अच्छे प्लेयर है, इसलिए मैं इनको नहीं ले पाया। अगर इनको लेना है तो फिर आपको यहाँ से फॉरवर्ड लाइन चाहिए या फिर श्रेमरी को ड्रॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ क्रेडिट मेंटेन हो पाएंगे और प्लेयर को इधर उधर करके, बाकी नहीं तो नहीं हो पा रहे। और यहाँ पे जैकी जन सिंह के लिए भी दोस्तों क्रेडिट मेंटेन नहीं हो पा रहे, ये भी 9.5 क्रेडिट के हैं, इसलिए मैं यहाँ पे चले गया हूँ शांगटे ब्रेंडन और लेनी रेड्रिगस के साथ, ये 3 प्लेयर लिए। अब यहाँ शांगटे और ब्रेंडन तो आप रहने दीजिएगा, लेनी रेड्रिगस के प्लेस में दोस्तों आप एक चेंज कर सकते हैं, अगर क्रेडिट मेंटेन हुए तो आप अहमद जोहू को ले सकते हैं, बस आपको आधा क्रेडिट कहीं से मेंटेन करना है, ये कुछ आप चेंज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे कोरोमिनास मैंने ले लिया, व्लास्कस ले लिया और श्रेमरी ले लिया, ये दोनों तो आपको 100% लेने हैं, व्लास्कस और कोरोमिनास बहुत बढ़िया फॉर्म में। श्रेमरी को प्लेस में दोस्तों आप कोई और प्लेयर ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे श्रेमरी के प्लेस में, अगर आपको कुछ क्रेडिट मेंटेन होता है, नहीं तो आप अनिरुद्ध थापा को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं फिलहाल श्रेमरी को ही रिकमेंड करूँगा। और अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर लेना है तो आपको मुर्तादा फॉल को यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, और इसके बाद ही दोस्तों आप यहाँ पे लेनी रेड्रिगस को यहाँ पे इससे अपग्रेड कर पाओगे जैकी जन सिंह से। फिर आप यहाँ पे दोस्तों एक कोई और जो डिफेंडर खेलेगा, जैसे चेन्नईन एफसी से मैंने संगाई ले लिया, तो कुछ ये ऐसी टीम भी बन जाएगी। तो दोस्तों एक आप ये चेंज कर सकते हैं, इसमें जैकी जन भी आ गए लेकिन यहाँ ड्रॉप हो गए मुर्तादा फॉल, तो फिलहाल ऐसा भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप कर सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। अब दोस्तों फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसे एक दो चेंजेस जो मैंने कर सकते थे वो बता दिया। आप कैप्टन वाइस कैप्टन देखिए, कोरो मेरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन मैंने व्लास्कस किया, ये दोनों ही बेस्ट चॉइस है। फिलहाल आपको लगता है यहाँ पे चेन्नईन स्कोर नहीं कर पाएगी तो आप बूमो या ब्रेंडन को वाइस कैप्टन कर सकते हैं, कैप्टन आप कोरो को ही रहने दीजिएगा, और ग्रैंड लीग में आप श्रेमरी को ट्राई कर सकते हैं, इसके अलावा बूमो को भी कैप्टन ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। फिलहाल दोस्तों ये था पूरा वीडियो, अब इस मैच की 5-6 ग्रैंड लीग की टीम और 2 फाइनल स्मॉल लीग की टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलने वाली है, एक बार मैं आपको दिखाता। तो दोस्तों यह है टेलीग्राम चैनल, ये देखिए आज का शेड्यूल दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको, इतने सारे मैचेस आज कवर होंगे, टॉटनम ब्राइटन की फाइनल एसएल टीम मिलेगी, इस मैच की जीएल एसएल दोनों, फिर चेन्नईन चेल्सी और साउथहैम्पटन की फाइनल एसएल, मैन यूनाइटेड की फाइनल एसएल, और लास्ट में जो रात को लिवरपूल लेस्टर का मैच है इसकी जीएल और एसएल दोनों की टीम मिलेगी, तो जरूर जुड़ जाइए आप यहाँ टेलीग्राम चैनल के साथ। अब दोस्तों देखिए इस मैच में लगभग सभी की अच्छी विनिंग्स हो रही है, यहाँ पे विनिंग्स मैं शेयर करता हूँ, और हर मैच की ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम यहाँ मिलती है, तो टेलीग्राम से जुड़ना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जरूर जुड़ जाइए। तो दोस्तों इसके बाद भी 4-5 मैचेस कवर होंगे, तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।